नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। राज्य में भीषण हीट वेव के हालात के बीच अब बारिश संबंधित गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तर बिहार के सभी जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर बारिश होने का आसार है। वहीं दक्षिण बिहार के एक दो जिलों में भी आसमान से पानी बरस सकता है। अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी हालात बने रहने के आसार है। गया समेत तीन जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। एक से दो दिनों में राज्य भर के मौसम में बारिश के लिहाज से अपेक्षित बदलाव दिखेगा। अन्य जिलों में मानसून के प्रसार की स्थिति बनी रही है। 21, 22 और 23 जून को पटना सहित दक्षिण बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार है। बुधवार यानी 21 जून से दक्षिण बिहार के जिलों में अधिकतम तापमान में भी तेजी से गिरावट होगी। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तर बिहार के सभी जिलों में जबकि दक्षिण पूर्व बिहार के एक दो जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि सीमांचल समेत सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और कटिहार में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। बिहार के आसमान में गरज चमक वाले बादलों के बनने से अन्य जिलों में भी बारिश की छिटपुट गतिविधियां रह सकती हैं। सुपौल, अररिया और किशनगंज में मंगलवार को भारी बारिश हो सकती है। नवादा और जहानाबाद में लू का अलर्ट जारी हुआ है। दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद पटना सहित 15 जिलों में सोमवार की देर रात तक धूल भरी आंधी चली और छिटपुट बारिश हुई। पटना के अशोक राजपथ की ओर कुछ देर के लिए बारिश हुई, जबकि नेहरू पथ पर गोला रोड और जगदेव पथ की ओर रात 10 बजे के आसपास धूल भरी आंधी की स्थिति रही। पटना के अन्य इलाकों में भी कहीं तेज तो कहीं बूंदाबूंदी हुई। मौसम विभाग ने रात 10 से 11 बजे के बीच से मुंगेर में, भागलपुर, खगड़िया, वैशाली, मधुबनी, बांका, बेगूसराय, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, सहरसा, लखीसराय में आंधी पानी का तत्कालिक अलर्ट जारी किया है। पटना में थोड़े थोड़े अंतराल पर वज्रपात और बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया। हालांकि अलर्ट के बावजूद कई इलाकों में बारिश न के बराबर हुई। पूर्वा हवाओं ने भले ही लोगों को काफी राहत दी, इस दौरान पटना के कई इलाकों में बार बार बिजली आपूर्ति बाधित हुई। इस खबर पर बने हुए हैं। जैसे इस खबर में कोई और अपडेट आता है तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।